ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में एक वेजिटा का रूप है जो एक दूसरे डायमेंशन और टाइम से आया है। आखिर कैसे वेजिटा इस लेवल तक पहुंचता है और क्या ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से कमजोर है या फिर ताकतवर या फिर बराबर? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस ऑसम टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स की ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की फॉर्म के बारे में तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और मेरे चैनल पर भी, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही ऑसम वीडियोस सबसे पहले। तो शुरू करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा के ओरिजिन से। तो जैसा कि हमें पता है, वेजिटा हमेशा से ही सबसे ताकतवर सैयन बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने के साथ साथ वो हर चीज करता है जिससे कि वो अपना सैयन्स के राजकुमार होने का टाइटल बनाए रख सके। लेकिन गोकू ने हर बार यही साबित करा है कि गोकू उससे बेहतर है, लेकिन वेजिटा ने तब भी हार नहीं मानी और वो लगा रहा। और एक टाइम ऐसा आया जब ग्रैंड प्रीस्ट गोकू अपनी लिमिट हिट कर गया, क्योंकि वो इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके पास अब कोई ट्रेनिंग करने के लिए टीचर नहीं बचा था और ना ही कोई ऐसा फाइटर जो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के आगे टिक पाए। तो फिर वेजिटा और गोकू एक साथ ही ट्रेनिंग करने लगे और जो गैप बचा था गोकू और वेजिटा के बीच वो खत्म हो गया देखते ही देखते, और उसी के साथ गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट बन गए। और इस तरीके से वेजिटा ने अपनी उस कमी को पूरा कर लिया जो वेजिटा फैंस पूरी होते हुए देखना चाहते थे। और ये वेजिटा कौन से डायमेंशन से आया है, किस टाइम है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जानेंगे, क्योंकि इस कहानी की भी बड़ी कमाल की स्टोरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से ताकतवर है या नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि इन दोनों ने एक साथ ही ट्रेनिंग करी है और इनकी कहानी असली गोकू और वेजिटा से थोड़ी सी अलग है, और उसके हिसाब से ये दोनों अभी लगभग सेम लेवल पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं स्टोरी लिख रहा हूं उसके हिसाब से इन दोनों का लेवल कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक अपनी अलग पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताया आगे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगी। और गोकू के पास ऐसी कोई फॉर्म नहीं बची है जिसको वेजिटा ना जानता हो, और यहां तक कि वेजिटा की भी ऐसी कोई फॉर्म नहीं बची है जो गोकू ना जानता हो, और ये दोनों सारी ही फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तभी जाकर ये इस लेवल पर पहुंचे हैं। लेकिन इन दोनों की अगर एक सीरियस फाइट का मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, तो गोकू के पास अपनी स्पेशल फॉर्म है और वेजिटा के पास अपनी स्पेशल फॉर्म है। हालांकि गोकू वेजिटा वाली फॉर्म भी यूज कर सकता है और वेजिटा गोकू वाली भी, लेकिन दोनों के स्टार्टिंग से फाइटिंग स्टाइल अलग होने के कारण, दोनों के गोल्स अलग होने के कारण उनकी फॉर्म्स की स्पेशलिटी भी अलग है और उनकी खुद की स्पेशलिटी और क्वालिटी भी अलग है, क्योंकि उन दोनों के फाइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि वेजिटा ने शुरू किया था सैयन फाइटिंग स्टाइल से और गोकू ने शुरू किया था कराटे मास्टर रोशी फाइटिंग स्टाइल से। और आगे आने वाले चैप्टर्स में जब कोई फ्लैशबैक होगा तो हम जरूर देखेंगे कि इन दोनों की कहानी क्या है और क्या नहीं। और जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है उसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए इस मांगा को। और जो भाई कमेंट सेक्शन में ये पूछे कि ये चैप्टर कब आने वाला है, तो उससे पहले ही मैं बता दूं ये चैप्टर नेक्स्ट वीक आने वाला है। और लेट क्यों हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी और अब जो मांगा आएगी उसमें शायद क्वालिटी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले, जो आप लोग मुझे खुद बताओगे कि हाँ भाई इस बारी थोड़ा सा अलग है। और इंस्टा पर क्रिजिटा फैमिली के 500 फॉलोवर्स होने वाले हैं, तो अगर आप न्यू हैं तो वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो भी जाकर कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां छोटे छोटे अपडेट्स मैं देना चाहता हूं और दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं। तो वहां जाकर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और वहां क्रिजिटा फैमिली का हिस्सा बनिए। और ड्रैगन बॉल सुपर की न्यू सीजन की अब लीक्स कंफर्म होती जा रही हैं, तो जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है वो पर कार्ड में शो हो रही वीडियो को देख ले, जिससे कि उसको पता लग जाएगा कि ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे जो आने वाला है वो कितना ऑसम होने वाला है और कब आने वाला है और उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो चलिए, ये थी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा की एक छोटी सी स्टोरी जो भी बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है, बस ये एक ओवरव्यू था जिसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।